नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के साथ ही पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है। किसी के लिए यह परिवर्तन शुभ होता है तो किसी के लिए अशुभ साबित होता है। आपको बता दें, ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और कर्क राशि जल तत्व कहलाता है, इसीलिए इस परिवर्तन का असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तीन राशियां ऐसी होंगी जिन पर थोड़ा सा उनको सावधान रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं ये तीन राशियां कौन सी हैं। सूर्य ग्रह का गोचर आप लोगों के लिए कुछ कष्टकारी साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि से सूर्यदेव ने चतुर्थ भाव में गोचर किया है, जिसे माता और सुख साधन का स्थान माना जाता है। इसलिए समय आपको माता की सेहत से कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मियों से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान भी रखना होगा, वरना आप विवादों में फंस सकते हैं। करियर में इस समय उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। सिंह राशि के जातकों पर सूर्यदेव का ही आधिपत्य है, लेकिन इस समय आपको कुछ संभल कर चलना होगा, क्योंकि सूर्यदेव ने आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर किया है, जिसे हानि और खर्चों का भाव भी कहा जाता है। इसलिए समय आपको व्यापार में घाटा हो सकता है, साथ ही खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों की सेहत इस समय खराब भी हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में हुआ है, जिसे शत्रु और रोग का स्थान कहा जाता है। इसलिए इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, साथ ही समय आपकी सेहत में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। उदय संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही ग्रह गोचर से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता.com के साथ।